अभी हम देख रहे हैं HDFC का चार्ट। तो यहाँ पे देखिए मार्केट मार्केट एक कॉप टाइप का हैंडल पैटर्न बनाया हुआ, ठीक है। और अगर हम इसको कॉप एंड हैंडल बनाए पैटर्न बोलेंगे तो यहाँ पे एक हैंडल बनना चाहिए। हैंडल बनने के बाद यहाँ से जैसे ब्रेकआउट देगा यहाँ पे आप ट्रेड कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का प्रेडिक्शन है, तो अभी तो किया नहीं है, लेकिन हम जो कॉप एंड हैंडल बनता है। और एक चीज़ देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ये रिजेक्शन यहाँ पे लेता है, यहाँ पे रिजेक्शन, और यहाँ पे भी थोड़ा देखिए मार्केट उसी के पास ही खुल गया। अगर यहाँ से भी रिजेक्शन लेता है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऐसे मूव कर सकता है। अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देना है तो ये ऐसे मूव करके यहाँ से ब्रेकआउट देके इसको अच्छा खासा ऑप्शन मोमेंटम दे देगा, जो कि हम लोग का है कॉप एंड हैंडल पैटर्न। ये कॉप हो गया है, अब ये हैंडल बना देगा और ब्रेकआउट जैसे देता है तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग साइड ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा खासा अपसाइड का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हैंडल बनाने दीजिए और हैंडल से ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे एंट्री कीजिए लॉन्ग साइड। इसके आसपास अगर थोड़ा भी रिजेक्शन मिलता है तो तुरंत निकल जाइए। अगर इसको ब्रेकआउट दे तो आराम से बैठिए और यहाँ से अपसाइड का टारगेट इजीली आप अचीव कर सकते हैं जैसे इनको ट्रेन करते हुए, ठीक है। तो HDFC यही पैटर्न और ट्रेड बन रहा है फिलहाल के लिए, ओपन हैंडल और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट कर अपॉर्चुनिटी होने के बाद लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढिए।